डांस कंपटीशन। गट्टू चिंकी को डांस करना बेहद पसंद था, लेकिन अब तो उनके सिर पर डांस का भूत प्रॉपर सवार हो चुका था। अरे भाई, बात ही ऐसी थी, स्कूल ने गैदरिंग का आयोजन किया था जिसमें डांस का तगड़ा कंपटीशन होने वाला था। तब से डांस दोनों की नस नस में दौड़ने लगा था। आई एम अ डिस्को डांसर, ना 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 ना। आई एम अ डिस्को डांसर, ना 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 ना। चिंकी, क्यों चिढ़ा रही है मुझे? मैं कहाँ चिढ़ा रही हूँ? मैं डिस्को डांसर बोल रहा हूँ और तू ना ना कह रही है। क्या मैं डांसर नहीं हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। हाँ, लेकिन तुम परफेक्ट डांसर नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे डांस में रिदम मिसिंग है। ये सुनकर गट्टू चिढ़ गया। ये सब उस हरी ने मुझसे कहने के लिए कहा है ना तुम्हें? अब हरी कहाँ से आ गया बीच में? हरी तुम्हारा डांस पार्टनर है ना, तुम दोनों को लगता है कि डांस कंपटीशन तुम ही जीतोगे, इसीलिए बाकी जोड़ियों को तुम डीमोरलाइज कर रहे हो ना। ये सुनकर चिंकी गुस्सा हो गई। हम किसी को डीमोरलाइज नहीं करते, बस जो देखा वो बोलते हैं। अब है तुमसे रिदम मिसिंग तो है, और रहा कंपटीशन का सवाल, तो ये कंपटीशन हम ही जीतेंगे। तो देखा आपने, इस डांस कंपटीशन की वजह से गट्टू चिंकी का घर घर नहीं जंग का मैदान बन गया था। स्कूल में भी यही माहौल था। गैदरिंग की वजह से पढ़ाई का कुछ टाइम प्रैक्टिस को दिया गया था। डांस कंपटीशन के लिए कुछ जोड़ियां भी बनाई गई थी, जिसमें हरी और चिंकी की एक जोड़ी, गट्टू और गुड्डी की एक, ऐसे ही एक लड़का और एक लड़की, ऐसे बहुत से जोड़ियां बनाकर उनमें कंपटीशन होने वाला था। इन जोड़ियों को ट्रेन करने के लिए बाहर से दो ट्रेनर बुलाए गए थे, इशिता मैम और रॉकी सर। दोनों जोड़ियों को ट्रेनिंग दे रहे थे। हरी और चिंकी पहले से ही काफी अच्छे डांसर थे और अब तो पार्टनर थे दोनों, जिससे दोनों का परफॉर्मेंस एकदम दमदार था। डांस के लिए गाना भी दोनों ने काफी दमदार चुना था। बाकी जोड़ियां भी ठीक ठाक थी, लेकिन गट्टू और गुड्डी की जोड़ी, दोनों में रिदम मिसिंग था। दोनों एक साथ डांस करते हुए काफी अजीब लगते और सारे उन पर हंसते हुए मजाक बनाने लगते, लेकिन बेचारे करे भी तो क्या करे, उन्हें वैसे ही डांस आता था और रिदम लेस डांस करते हुए उन्हें काफी मजा भी आता था। लेकिन कॉम्पिटिशन के लिए वो काफी नहीं था। सर और मैम हमेशा उन्हें अच्छे अच्छे स्टेप सिखाने की कोशिश करते, लेकिन दोनों वो स्टेप्स और बीट पकड़ ही नहीं पाते और हमेशा अलग अलग तरीकों से डांस करते। गट्टू और गुड्डी, बेटा क्या कर रहे हो? बीट्स छोड़ो, तुम दोनों तो एक दूसरे को मैच भी नहीं कर पा रहे हो। दोनों में रिदम ही नहीं है इशिता, इनका कुछ नहीं हो सकता। ये सुनकर तो सारे बच्चे हंसने लगे। माहौल देखकर गट्टू भी समझ गया था कि कंपटीशन तो चिंकी और हरी ही जीतेंगे। गट्टू, हम नहीं जीत पाएंगे, मुझे लगता है हमें कंपटीशन से आउट हो जाना चाहिए। नहीं गुड्डी, डांस सिर्फ जीतने के लिए नहीं किया जाता। हम दोनों भले ही रिदम में ना हो, लेकिन जो कुछ करते हैं वो करते हुए हमें मजा तो आता है ना, बस वही मजा लूटने के लिए हम नाचेंगे, जरूर नाचेंगे। गट्टू की ये बात रॉकी सर ने सुन ली और वो इम्प्रेस हो गए। चलो बच्चों, प्रैक्टिस टाइम खत्म, अब हम कल मिलते हैं, बाय। गट्टू और गुड्डी, तुम दोनों रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हरी, जरूर सर गट्टू और गुड्डी को कंपटीशन से आउट हो जाने के लिए कहेंगे। हाँ, बेचारे गट्टू और गुड्डी बिना डांस किए ही आउट हो जाएंगे। और वही हुआ। दूसरे दिन प्रैक्टिस तो हो रही थी, लेकिन गुड्डी और गट्टू उसमें नहीं थे। देखा हरी, कल क्या कहा था मैंने। और देखते देखते स्कूल में गैदरिंग का माहौल बन गया और वो दिन भी आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, डांस कंपटीशन का दिन। थिएटर दर्शकों से पूरा भरा हुआ था। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स सभी मौजूद थे। गट्टू चिंकी के मम्मी पापा भी आए हुए थे। तालियां बजाकर हमारी पहली जोड़ी का स्वागत कीजिए, राखी और अंशुमन। राखी और अंशुमन स्टेज पर आए और उन्होंने बेहतर डांस किया। उनके बाद और भी जोड़ियां डांस करती रही। फिर मिश्रा सर ने एक और जोड़ी बुलाई। स्वागत कीजिए चिंकी और हरी का। ऑल द बेस्ट बच्चों। हरी और चिंकी स्टेज पर आए।
और हमेशा की तरह दमदार परफॉर्मेंस देने लगे। उनका परफॉर्मेंस इतना तगड़ा था कि उनका डांस खत्म हुआ और फिर भी तालियां बजती रही। और अब मैं बुलाने जा रहा हूँ हमारी लास्ट जोड़ी, गट्टू और गुड्डी। कम ऑन गट्टू। अरे ये दोनों भी है कंपटीशन में? डोंट वरी चिंकी, उनका मजाक ही बनने वाला है वैसे भी। गट्टू और गुड्डी ने जैसे ही डांस शुरू किया सब सांसें रोक कर देखने लगे। ना बीट्स ना म्यूजिक, कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे थे दोनों। दोनों बस एक दूसरे को फॉलो कर रहे थे और परफेक्ट ऑफ बीट डांस कर रहे थे। दोनों का ट्यूनिंग और स्टेप्स इतने यूनिक थे कि सबकी आंखें बस दोनों पर ही टिकी हुई थी। दोनों का दमदार परफॉर्मेंस खत्म हुआ तो तालियों के साथ साथ वंस मोर चिल्लाने लगे। तो इस दमदार डांस कंपटीशन के विनर है चिंकी और हरी। ये चिंकी और हरी उछलते हुए स्टेज पर गए और अपनी ट्रॉफी ले आए। कंपटीशन के विनर तो आपने देख ही लिए, अब मैं ऑडियंस के दिलों को जीतने वाले दो जादूगर को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा, गट्टू और गुड्डी को। दोनों के लिए एक स्पेशल प्राइज है। ये गट्टू और गुड्डी स्टेज पर गए, दोनों ने प्राइज लिया और फिर गट्टू ने माइक पर कुछ बोलना चाहा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों ठीक से डांस भी नहीं कर पा रहे थे, फिर इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस कैसे दिया। तो दोस्तों, माना कि दोनों में रिदम नहीं था लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत था। हमारा ये कॉन्फिडेंस देखकर रॉकी सर ने हमें गाइड किया। वो बोले, तुम बीट में डांस नहीं कर सकते तो ऑफ बीट करो। गुड्डी और मैंने काफी मेहनत की और हम इस स्पेशल प्राइज के हकदार बने। हमारे पास जो नहीं उसके लिए रोने से बेहतर है हमारे पास जो है उसका इस्तेमाल करना। हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स विजन रखना, ये हमने इस कंपटीशन से सीखा। थैंक यू। गट्टू की ये बात सुनकर चिंकी, हरी, उनके दो ट्रेनर और बाकी सभी ऑडियंस इम्प्रेस हो गई और सबने उसको स्टैंडिंग ओवेशन दिया।